गोंड पिपरी तहसील के गोजरी परिसर में निर्माण की गई पानी की टंकी आज महज एक शोभा की वस्तु बनी है। गोंड पिपरी तहसील के गोजोली, चेक गोजोली, दुबारपेट, रीठ, चिवंडा ऐसे अनेक गांव में करोड़ों रुपए खर्च कर पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। इस पानी योजना का लाभ जन सामान्य लोगों को होगा क्या, ऐसा सवाल नागरिकों ने व्यक्त किया है। जलापूर्ति के लिए तैयार की गई पानी की टंकी का पानी शुरुआत में कुछ समय के लिए लोगों के घरों तक पहुंचा, जिसके लिए करोड़ रुपए खर्च किए गए, मगर आज ये पानी की टंकी गांव में एक शोभा की वस्तु के रूप में खड़ी है। तेलंगाना राज्य से सटे अनेक गांव में प्रादेशिक जलापूर्ति योजना शुरू की गई, मगर प्रत्यक्ष रूप से ग्रामवासियों को पानी के लिए इधर उधर भटकने से उनके जीवन जीने के मार्ग पर प्रशासन ही आड़े आ रहा है, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। पाइपलाइन कहाँ, नल का कनेक्शन कहाँ, ये कहीं ना दिखने से पानी योजना के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। शासकीय योजना मात्र कागजों पर दिखाकर करोड़ों रुपए का पानी कहाँ जा रहा है, ऐसा सवाल नागरिकों ने उपस्थित किया है। वहीं गोजोली के किसान प्रकाश पुराड़े ने कहा कि मेरे खेत से लगकर पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, वहीं मात्र वर्तमान स्थिति में बड़े बड़े पेड़ होने से उनकी छाया में ग्रामवासी शौचालय के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आदत के अनुसार वॉल कंपाउंड तोड़कर शौच के लिए ग्रामवासी अंदर आने से जानवरों के आने के लिए भी रास्ता साफ हो गया है, जिससे हर वर्ष मेरी फसल का नुकसान होता है। सीटी न्यूज के लिए हमारे संवाददाता नितेश डोंगरे की रिपोर्ट। शेता मध्य सन 97-98 मध्य पानी टाकी उभारनी के लिए दोन वर्ष गावा मध्य नळाचे पाणी पास मिळाले होते, योजना आता सध्या तिथे बंद पडलेली आहे आणि त्यानंतर या ठिकाणी मोठे मोठे झाडे उभे झालेले आहेत। ह्या झाडाच्या सावलीच्या आधाराने ग्रामस्थ झाडाखाली बसून शौचास करतात व शेती तयार झाल्यानंतर कुंपण तोडून जनावरे माझ्या शेतात घुसतात आणि माझ्या शेताची नादूद करतात।